आज हम दो और अल्टरनेटिव सिस्टम्स फॉर सुएज डिस्पोजल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बायोगैस प्लांट के बारे में। क्या आपको पता है बायोगैस प्लांट क्या होता है और ये बायोगैस क्या होती है? बायोगैस चार गैसेस का मिक्सचर है। अब ये चार गैसेस कौन सी हैं? ये हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। बायोगैस प्लांट्स में कवर्ड ड्रेन्स के थ्रू एक तरफ से ह्यूमन वेस्ट एंटर होता है। एक्सक्रीटा फ्रॉम टॉयलेट्स गोज टू द बायोगैस प्लांट्स थ्रू कवर्ड ड्रेन्स। प्लांट के अंदर बैक्टीरिया वेस्ट पे एक्ट करता है और ये बैक्टीरिया डीकम्पोजिशन करने पर कुछ गैसेस प्रोड्यूस करता है जिसे कहते हैं हम बायोगैस। इन द बायोगैस प्लांट बैक्टीरिया एक्ट्स ऑन द वेस्ट टू प्रोड्यूस बायोगैस और फिर ये गैसेस एक आउटलेट की हेल्प से आगे पास कर दी जाती हैं। अब इस बायोगैस को कहाँ यूज करते हैं? बायोगैस को एक फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। बायोगैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल। तो आपको समझ आया कि बायोगैस प्लांट में क्या होता है? गुड। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। क्या आपने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में सुना है? वर्मी कंपोस्टिंग एक नया मेथड है जिससे ह्यूमन एक्सक्रीटा सेफली डिस्पोज किया जा सकता है। इस मेथड में अर्थवर्म्स की हेल्प से ह्यूमन एक्सक्रीटा डिस्पोज ऑफ किया जाता है। ह्यूमन एक्सक्रीटा इज ट्रीटेड विद अर्थवर्म्स। इस मेथड में कम वाटर यूज होता है और ये मेथड सिंपल और हाइजीनिक है। ह्यूमन एक्सक्रीटा कन्वर्ट हो जाता है वर्मी केक्स में। वर्मी केक्स सॉइल को न्यूट्रिएंट्स से नरिश करते हैं। द ह्यूमन एक्सक्रीटा इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड into wormy cakes which act as a resource for the soil. अब हम next topic पर चलते हैं जो है sanitation at public places. Public places में एक time पे बहुत से लोग present होते हैं और waste का भी large amount generate होता है। अब इस waste को properly dispose करना जरूरी है वरना बहुत सी डिजीजेस हो सकती हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया के म्यूनिसिपैलिटी की है और हमारी भी। क्या आप बता सकते हैं कि हम पब्लिक प्लेसेस में सैनिटेशन मेंटेन करने के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? कुछ प्रैक्टिसेस जो हमें फॉलो करनी चाहिए वो हैं, फर्स्ट वी शुड नॉट लिटर एट पब्लिक प्लेसेस। हमें पब्लिक प्लेसेस पे वेस्ट नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन्स का यूज करना चाहिए। और अगर किसी जगह पे डस्टबिन ना हो तो आप क्या करेंगे? यस, गुड। उस टाइम हमें वेस्ट को अपने बैग में डाल लेना चाहिए और घर जाके उसे डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। सेकंड, वी शुड नेवर यूरिनेट ऑन द रोड साइड्स। रोड साइड्स पे कभी भी यूरिनेट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड कवर दी ओपन ड्रेन्स। हमारे घर के आसपास ओपन ड्रेन्स को हमें कवर कर देना चाहिए। तो आपने देखा ये कितने सिंपल मेथड्स हैं जिनको फॉलो करने से हम सैनिटेशन मेंटेन कर सकते हैं पब्लिक प्लेसेस में। आई होप ये आपको क्लियर होंगी। स्वच्छ भारत अभियान। आप सबने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आप जानते हो कि ये अभियान किसने लॉन्च किया था? यस, स्वच्छ भारत अभियान हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया था। इस मिशन का मेन पर्पस था सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को मैनेज करना, सब विलेजेस को ओपन डेफिकेशन से फ्री करना और क्लीन इंडिया के लिए अवेयरनेस क्रिएट। द पर्पस ऑफ दिस मिशन वॉज टू मैनेज सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट,
टू मेक द विलेजेस ओपन डेफिकेशन फ्री, टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर क्लीन इंडिया। इसके लिए हर विलेज में इंडिविजुअल और कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए गए हैं। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग करके उसे फेंकने पर एम्फसाइज किया गया है।